मेरे नबी ने बच्चों दुनिया से जाते हुए भी नमाज सिखाई, नमाज ना छोड़ो, ये हमारी पहचान। कज़ा हो गई कोई बात नहीं, बाद में कर लो। रात को सोने से पहले 5 का फिगर पूरा करके सो, तो इंशाल्लाह फिर एक वक्त आएगा अल्लाह आपको 5ों की तौफीक नसीब फरमा दे। इसमें अल्लाह ने कोई गुंजाइश नहीं रखी है। अल्लाह ने सारी शरीयत आसमान से उतारी। सही मुस्लिम हदीस है 246 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि बंदे के कुफर और ईमान के दरमियान लकीर जो है लाइन नमाज। अबू दाऊद तिर्मिजी में हदीस है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफर। जामिया तिर्मिजी में अब्दुल्ला बिन शफीक ताबी का कौल है सही सनद के साथ कि सहाबा इकराम आमाल में से नमाज छोड़ने के अलावा किसी को कुफर शुमार नहीं करते थे। यानी सहाबा इकराम के नजदीक, अहले बैत के नजदीक जो नमाज नहीं पढ़ता था वो मुसलमान ही नहीं। सैयदुना हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी काम कौन सा, उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। अगर इस रूए अर्ज पे किसी को नमाज किसी हालत में माफ होती ना तो हुसैन अलैहिस्सलाम को होती। उन्होंने भी जोर की नमाज वहां पे अदा की है और असर की नमाज जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जाके जन्नत में अदा की है। जनाब ये हुसैन के नारे लगाना बड़ा आसान है। एक है नमाज हम पढ़ लेते हैं, आपने सारा पढ़ लिया, सारा तादील अरकान भी कर ली, लेकिन अगर आपका अल्लाह के साथ डायरेक्ट कम्युनियन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कायम नहीं हुआ तो नमाज जिसको के कहा गया कि सलातु मेराजुल मोमिनीन, जो कुर्ब हुजूर को हासिल हुआ मेराज में वो एक बंदा मोमिन दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकता है नमाज में, अगर उसकी रूह जो है वाकईतन हम के नाम हो रही हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिन सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, अगर हम वाकईतन ऐसे कह रहे हो कि हमें एहसास हो कि हम अल्लाह के हुजूर में हाजिर हैं और अर्ज कर रहे हैं, सजदा करें तो हदीस में आता है कि ऐसे महसूस हो कि गोया कि मैंने अपना सर अल्लाह के कदमों में रख दिया है, ये है नमाज। अब जो गुफ्तगू हो रही है ये हम कलामी है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन अहले ईमान के हक में ये नमाज जो है ये मेराज के दर्जे में, लेकिन इस ये नमाज कैसे नसीब होगी अगर रूह सोई हुई है, दबी हुई है, पिसी हुई है, मुजमहिल है या मुर्दा है, ये नमाज कैसे हासिल होगी? चाहे आप 5ों वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, चाहे आपने हैबिट बना लिया हो नमाज को। सलाह से हमारा ईमान बढ़ता है, सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है, सलाह पाबंदी से हमें वक्त पे अदा करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन मिसाल जो मैं देखा हूं मेरी जिंदगी में वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अजान पूरे शहर में एक वक्त होती है, 1-2-3 मिनट का इधर उधर, लेकिन एक साथ होती है। जब अजान होती है सारे लोग अपना काम धंधा बंद करके फौरन नमाज पढ़ते हैं, कोई भी हो, चाहे बॉस सामने बैठा है, अजान हो गई सल्ली नमाज पढ़ो, दुकान बंद कर देते, रेस्टोरेंट बंद हो जाती है, क्या नजारा है, दिल खुश हो जाता है फौरन। अल्लाह का बुलावा आया, अल्लाह से अपॉइंटमेंट है, फौरन नमाज पढ़ो।